नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। क्रूरता का दूसरा नाम तालिबान। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, उसके बाद फिर खबरों पर भी जाएंगे। पहले आपको ये बता दें कि पंजशीर पर कब्जा करना तालिबानियों के लिए मुश्किल होता नजर आ रहा है। पंजशीर में 300 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं, ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। पंजशीर में तालिबान ने 10,000 आतंकी भेजे हैं। बलगान प्रांत की अंदराव घाटी में कई तालिबानी ढेर बताए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। पंजशीर पर कब्जा करना तालिबान के लिए मुश्किलों भरा नजर आ रहा है। पंजशीर में 300 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। पंजशीर के लिए तालिबान ने 10,000 आतंकी भेजे हैं, तो पंजशीर में कहीं ना कहीं युद्ध का माहौल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब जो अफगानी है वो पूरी तरह से विद्रोह करने पर जुट गए हैं और निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि पंजशीर में करीब 300 तालिबानी आतंकी मार गिराए गए हैं, और ये भी जानकारी मिल रही है कि पंजशीर के लिए तालिबान ने करीब 10,000 आतंकी भेजे हैं। तो ऐसे में आने वाले वक्त में किस तरह की स्थिति होगी, ये कहना अभी मुश्किल नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की पंजशीर से मिल रही है, जहां कब्जा करना तालिबानियों के लिए मुश्किल भरा नजर आ रहा है, क्योंकि करीब 300 तालिबानी आतंकी यहां पर मारे गए हैं। वहीं तालिबान ने करीब 10,000 आतंकी यहां पर भेजे हैं। इसके अलावा यहाँ पर युद्ध की स्थिति देखी जा सकती है, आने वाले समय में यहाँ पर कुछ और ही दृश्य देखने के लिए मिल सकता है। तो अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान ने कब्जा कर लिया है, लेकिन कुछ अफगानी ऐसे हैं जो लगातार विद्रोह करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पंजशीर की बात की जाए तो पंजशीर में इसकी बानगी देखने के लिए मिली है। बलगान प्रांत की अंदराव घाटी में कई तालिबानी ढेर बताए जा रहे हैं। दरअसल अब जिस तरह से तालिबानी आतंकी मारे गए हैं, इससे ये जरूर कहा जा सकता है कि तालिबानियों के लिए पंजशीर में जाना जोखिम भरा रहा है, और मुश्किलों में तालिबान जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। पंजशीर के लिए तालिबान ने करीब 10,000 आतंकी भेजे हैं। बगलान प्रांत की अंदराव घाटी में कई तालिबानी ढेर हुए हैं, और जानकारी ये भी मिल रही है कि कई तालिबानी आतंकी अब भी वहां पर छिपे हुए हैं। फिर बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, लगातार अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। एक हफ्ते का समय बीत गया है, और तालिबान की जो क्रूरता है वो लगातार सामने आ रही है। पंजशीर में ऐसा ही माहौल देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो तालिबान के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि वहां पर 300 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं, और करीब तालिबान ने 10,000 आतंकी वहां भेजे गए हैं। यानी आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा संवेदनशील वहां पर हो सकती है। तालिबान का क्रूर चेहरा सामने आ चुका है, ये बात साबित हो चुकी है कि तालिबान के आतंकी दरिंदे हैं। अफगानिस्तान से भारत पहुंची एक महिला ने तालिबानी आतंकियों की पोल खोल कर रख दी है। उसने बताया कि तालिबानी आतंकी लड़कियों की डेड बॉडी के साथ रेप करते हैं, उनसे इंसानियत की उम्मीद नहीं की जा सकती। अफगानिस्तान की महिलाएं बहुत बड़े खतरे में हैं। कुछ खबरों की माने तो महिला ने यह भी कहा है कि वो लोग डेड बॉडी के साथ रेप भी करते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लड़की जिंदा है या मर चुकी है। इन लोगों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग या तो लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं या आकर सिर पर गोली मारकर चले जाते हैं, जैसे कि कल एक लड़की को उठाकर ले गए, ये भारत लौटी एक महिला ने बताया है। यह अभी शुरुआत है। महिला ने आगे कहा है कि वो लोग चाहते हैं कि उन्हें हर घर से लड़की मिले। वो 10 से 12 साल की बच्चियों को उठाकर ले जाते हैं। वो मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं कि हम बदल चुके हैं, ये बस एक दिखावा है। वो लड़कियों को दवाई देते थे, बेहोश करते थे,
फिर उसके बाद ताबूत में रखते थे और बॉडी को पाकिस्तान की तरफ ले जाते थे। जब हम वहां पर थे तो हमारे लिए बहुत धमकियां आती थी। इससे पहले खबर यह भी आई थी कि तालिबान के आतंकियों ने अफगानिस्तान में अपने कब्जे वाले इलाकों के मौलवियों से 12 साल से ज्यादा उम्र की सभी लड़कियों की लिस्ट मांगी थी। तालिबान का कहना है कि वो इन लड़कियों से अपने लड़ाकों का निकाह करवाना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि वो इन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहता है, जिससे वो जब चाहे लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना सके और उनका शारीरिक शोषण कर सके। तो तालिबानी जो है किसी भी कीमत पर बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां से जो लोग वापस लौट रहे हैं भारत, वो तालिबान का असली चेहरा सामने रख रहे हैं। तालिबान लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो बदल चुका है, ये नया तालिबान है, ये आधुनिक तालिबान है, लेकिन हरकतें तालिबान की वही 21 साल पहले वाली है, जहां पर लिस्ट मांगी गई है जो 12 से 13 साल की बच्चियां हैं उनकी लिस्ट मांगी गई है, वहीं 45 साल तक की जो विधवा है उनकी भी लिस्ट मांगी गई है, ताकि वो अपने लड़ाकों से उनका निकाह करवा सके और महिलाओं का शारीरिक रूप से शोषण कर सके, गुलाम बना कर रख सके। आपको बता दें कि तालिबान जो है पूरी तरह से शरिया कानून को मानता है और उस पर दबाव जो है वो लगातार महिलाओं पर बनाता है। कुछ तस्वीरें हमने ऐसी देखी थी इस पूरे सप्ताह में, अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें से एक तस्वीर ये भी थी जहां वो महिला जो मीडिया में काम करती हैं वो घर से काम करेंगी, वो ऑफिस नहीं जा सकती हैं। इसके अलावा जो ब्यूटी पार्लर्स थे महिलाओं के लिए वो बंद कर दिए गए हैं और उन पर कालिक पोत दी गई है। इसके अलावा महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती, एक बार फिर से बुरके में जो महिलाएं हैं वो लिपटी हुई नजर आई हैं। ऐसे में जानकारी ये भी मिली है कि वो जो महिलाओं की डेड बॉडी होती है वो उसे भी नहीं बख्शते हैं, मतलब इंसानियत की उम्मीद आप उनसे नहीं कर सकते हैं। और तालिबान यूं ही पूरे विश्व में बदनाम नहीं है। खबरों की माने तो महिलाएं लगातार एक के बाद एक बयान देती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लड़की जिंदा है या मर चुकी है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का शारीरिक शोषण करना है, मानसिक प्रताड़ित करना है, और इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आती है। और अगर जो महिला जरा सी भी आवाज उठाती है या विरोध करती है तो उनको ये जान से मार देते हैं। 12 साल की 13 साल की जो मासूम बच्चियां हैं उन्हें उठाकर ले जाते हैं, अपने लड़ाकों से उनका शादियां करवा देते हैं। तालिबान झूठ पर झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है, हर तरह से तालिबान झूठ बोल रहा है। और लेकिन इस पूरे सप्ताह में एक के बाद एक तालिबान ने जो मुखौटा पहना है अच्छाई का, वो उठता हुआ नजर आया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां पैदा हुए संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्धग्रस्त देश से अपने बलों की वापसी के कदम को सही ठहराते हुए कहा है कि इतिहास में कदम तार्किक और उचित निर्णय है के रूप में दर्ज किया जाएगा। और अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की वापसी के फैसले के कारण बाइडेन प्रशासन की आलोचना भी हो रही है, क्योंकि बलों के लौटने के कारण तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, जिसके कारण देश में अराजकता फैल गई है। अब जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा है कि मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों में इस फैसले को तार्किक और उचित निर्णय के रूप में देखा जाएगा। इससे पहले भारतीय मूल की अमेरिकी नेता निकी हेली ने अमेरिका सरकार की निंदा करते हुए कहा था कि अमेरिका ने तालिबान के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है और अफगानिस्तान में अपने सहयोगियों को छोड़ दिया है। तो अमेरिका लगातार तालिबान को लेकर एक के बाद एक तमाम बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अब एक नया बयान लेकर सामने आए हैं, मीडिया से रूबरू हुए हैं। उनका कहना है कि जो फैसला अमेरिका ने लिया है वो वाकई इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के इस फैसले को पूरी तरह से गलत ठहराया था। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो गया, जिसके बाद वहां पर संकट के हालात बने हुए हैं, अफरा तफरी का माहौल है, तालिबानी कभी भी मासूमों पर फायरिंग कर देते हैं और काबुल एयरपोर्ट पर पूरी तरह से उन्होंने कब्जा किया हुआ है, भगदड़ मच जाती है। कल भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी जहां पर 7 लोगों की जान चली गई,
तो इसी संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्धग्रस्त देश से अपने बलों की वापसी के कदम को सही ठहराते हुए एक बयान दिया। उनका कहना है कि तार्किक और ये उचित निर्णय है और इसी रूप में इसे दर्ज किया जाएगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की वापसी के फैसले के कारण बाइडेन प्रशासन की आलोचना लगातार हो रही है, लेकिन जो बाइडेन इस पर सफाई देने से पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि बलों के लौटने के कारण तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण देश में अराजकता लगातार फैलती हुई नजर आई। अब जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कहा है कि मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों में इस फैसले को तार्किक और उचित निर्णय के रूप में दर्ज किया जाएगा। इससे पहले भारतीय मूल की अमेरिकी नेता निकी हेली ने अमेरिका सरकार की निंदा की थी और कहा था कि अमेरिका ने तालिबान के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है, घुटने टेक दिए हैं और अफगानिस्तान में अपने सहयोगियों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। अगर बात अमेरिका की जाए तो अमेरिका लगातार महाशक्ति के रूप में अपने आप को लगातार आगे भी इस तरह से रखना चाहता है और इसी वजह से इसकी आलोचना पूरे विश्व में हो रही है। जिस तरह से अफगानिस्तान को यूं ही अमेरिका ने छोड़ दिया है तो चारों ओर निंदा की जा रही है। जनार्दन मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जनार्दन जी, न्यूज़वर्ल्ड इंडिया में सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जनार्दन जी। जिस तरह से जो बाइडेन एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, इससे पहले भी वो कह रहे थे कि अमेरिका ने जो फैसला लिया है वहां से अपने सैनिक बलों को हटाकर ये इतिहास में दर्ज होगा, क्या अमेरिका ये सही कर रहा है? देखिए, बाइडेन अपने फैसले पे डटे हुए हैं। उनका कहना है उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया है जी। और बाइडेन ने ये भी स्पष्ट किया कि वो अमेरिका के फौजियों की जान और भी उनकी आहुति नहीं दे सकते। तो ये एक देश का इंटरनल मैटर है कि वो अपने सैनिकों को कहां पर कैसे डिप्लॉय करता है, लेकिन अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिका ने जरूर उसको धोखा दिया है, क्योंकि पूरी तालिबान से पूरी लड़ाई में अमेरिका इनका सपोर्ट कर रहा था और ऑल ऑफ सडन जब इन्होंने वापस कर दिया वहां से, तो जो निर्दोष अफगान थे उनको उनको कई हजार लोगों को अपनी जाने गंवानी पड़ी। जनार्दन जी, लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना कि अमेरिका कहीं ना कहीं जो मासूम नागरिक है, जो अफगानिस्तान के जो तालिबान को बिल्कुल नहीं मानते हैं, जो उनका समर्थन नहीं करते हैं, जो मॉडर्नाइजेशन को मानते हैं, इन 21 सालों में अमेरिका ने जो वहां किया उसे मानते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ है, ये इंसाफ नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, इंसाफ नहीं हुआ है और बहुत गलत हुआ है। यही कारण है कि पूरे पश्चिमी देश जो है एक साथ, अभी नेटो की भी इस पे बैठक हुई थी कि कैसे वहां पर चीजों को रिस्टोर किया जाए जी। और पश्चिमी देश भी इसका प्रयास कर रहे हैं। भारत भी काफी चिंतित है, क्योंकि तालिबान के मजबूत होने से भारत के लिए चिंता का विषय बन जाता है। तो वहां पर एक कोशिश उनको अमेरिका ने सपोर्ट किया था जी। तो वो चीजें हटने के बाद में उन लोगों को दिक्कतें हुई। यही कारण है आप देख रहे हैं प्लेन से लोग कैसे भी भागना चाहते हैं वहां से। तो ये स्थिति तो जरूर अमेरिका जाती है, आगे का स्टेप देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी फोर्सेस भी इन्होंने लगा दी है। काबुल एयरपोर्ट पूरा इनके कब्जे में है, वहां पर अपने लोगों को निकाल रहे हैं और भी लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर तक उसको रोक सकते हैं ये भी देखने की बात होगी। बिल्कुल जनार्दन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे एक और चीज मैं जानना चाहूंगी कि अमेरिका क्यों पीछे हट रहा है? क्या इतने साल अपने सैनिक अफगानिस्तान में अमेरिका ने रखे हैं, तो क्या अब अमेरिका को नहीं चाहिए कि वो अफगानिस्तान में ऐसे नागरिकों की मदद करे जो मॉडर्नाइजेशन को मानते हैं, जो अमेरिकी कल्चर को मानते हैं? इसके अलावा अगर एक और सवाल मैं करूं तो ये होगा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से जो बाइडेन के खिलाफ है और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने अपने सैनिकों को वहां से बुलाया है ये पूरी तरह से गलत है, इन दोनों सवालों को हम किस तरह से समझ सकते हैं? देखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है। ये पहली बार देखा गया है कि इतना बड़े लेवल पे इन्होंने यहाँ पर बदलाव लाने की कोशिश की है। जो बाइडेन जो अपना एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं, उनका कहना है कि हमने बहुत सारी जानें गंवाई हैं वहां पर। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अफगान लड़ाके जो अफगान फोर्सेज जो है वो खुद नहीं लड़ना चाहते जी। वो ये लड़ाई तालिबान वर्सेस यूएस हो चुकी थी, जो अब यूएस नहीं आगे चलाना चाहता है।
अफगानिस्तानी लोग जो है अपनी लड़ाई को पीछे हट रहे हैं, वो नहीं लड़ना चाहते हैं। वही आपने देखा भी, जैसे यूएस की फोर्सेस वहां से हटी, अफगानिस्तान ने महज 3-4 दिन में पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका अपने आप को अब अच्छा साबित कर रहा है और ये कह रहा है कि अफगानिस्तान को हमने इस तरह से सशक्त कर दिया है कि अपनी लड़ाई वो खुद लड़ सकता है। नहीं, बिल्कुल सशक्त नहीं किया है, वो तो आपने रिजल्ट देखा है, तालिबान पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है। और तालिबान अच्छा बनने की अगर अमेरिका कोशिश कर रहा है तो वो भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आपने किसी को अधूरे रास्तों में छोड़ दिया जहां पर वो लोग कहीं के नहीं रहे, बिल्कुल, तो वो एक बड़ा प्रश्न है। उसी वजह से जो बाइडेन की पूरी तरीके से निंदा हो रही, हर जगह उनके खिलाफ पे स्टेटमेंट जारी हो रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बिंदु और रखना चाहूंगा, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ने इसको कुछ समय के लिए कॉल ऑफ किया है जिससे उन चेहरों को पहचाना जा सके जो छुप के लड़ाई कर रहे थे। तो हो सकता है कि अमेरिकन फोर्सेस दोबारा वहां पर आके रिवैम्प करें और उस चीज को रिस्टोर करने की कोशिश करें, क्योंकि अब सारे आतंकवादी या तालिबानी या जिनको आप कहते हैं बर्बर चेहरे हैं वो सामने आ गए, तो वो स्पॉट करने में उनको ज्यादा आसानी। जनार्दन जी, एक और सवाल ये है कि पंजशीर में जो आज हुआ है, बताया जा रहा है कि 300 तालिबानी आतंकी यहाँ पर मार गिराए गए हैं, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तानी अब धीरे धीरे जो है वो विरोध कर रहे हैं तालिबान का? जी बिल्कुल, ये अमेरिकन पॉलिसी भी हो सकती है। मैंने कहा जैसा कि अमेरिका पीछे हट के, एक कदम उसने पीछे हटाया, वहां से उसने दिखाया कि अब हम नहीं है, तो सारे वो चेहरे जो उसके खिलाफ लड़ रहे थे सब सामने आ गए, सारे लोग बाहर खड़े हुए थे जी। अब उनको चिन्हित करना, उन पर अटैक करना काफी आसान हो गया है। तो ये अफगान से ज्यादा मुझे लगता है यूएस की पॉलिसी थी कि उनको कैसे बाहर निकाल के, क्योंकि इतने सालों से लड़ते रहे, लगभग कम से कई दशकों से इनसे तालिबान से लड़ रहे हैं और अभी भी कोई ठोस उनको वो नहीं मिला था। तो हो सकता है ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो कि हम कुछ दिन के लिए पीछे हटते हैं, वो लोग सामने आएंगे और हम लोग दोबारा से ट्रैप करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जनार्दन जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो तालिबान पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये कहते हुए नजर आए हैं कि अमेरिका ने जो फैसला किया है वो पूरी तरह से सही है और ये इतिहास में दर्ज किया जाएगा। हालांकि अमेरिका पूरी तरह से अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, वैश्विक स्तर पर अमेरिका का ये मानना है कि वो पीछे इसलिए हटा है कि उसने अफगानिस्तान को पूरी तरह से सशक्त कर दिया है, अफगानिस्तान अपनी लड़ाई खुद लड़े। अमेरिका के एक शीर्ष रिपब्लिकन सांसद स्टीव चोबात ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान और उसकी गुप्तचर सेवा ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद को संगठन की जीत का जश्न मनाते देखना बेहद घृणित करने वाला है, जो अफगानिस्तान के लोगों के लिए अंक ही क्रूरता लाएगा। सांसद ने कहा है कि हालांकि पाकिस्तान द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे उत्पीड़न पर यहां अमेरिका में बहुत कम ध्यान दिया जाता है, अच्छा होगा कि हम अपने साथी नागरिकों को इन दुर्व्यवहारों के बारे में जानकारी दें। अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और कम उम्र की हिंदू लड़कियों का बड़े उम्र के मुस्लिम पुरुषों से जबरन विवाह करने की जघन्य प्रथा इस तरह के उत्पीड़न को उजागर करती है। वो कहते हैं कि इस तरह के आरोप महज अफवाह नहीं है। रिपब्लिकन सांसद ने कहा है कि प्रमुख समाचार संगठनों और मानवाधिकार समूह ने इन प्रथाओं को उजागर किया है जिसमें लड़कियों को किशोरावस्था में उनके परिवार से अलग कर देना और उनका जबरन विवाह करा देने जैसी दिल दला देने वाली कहानियां शामिल है। इन उत्पीड़नों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में करीब 60 लाख हिंदू हैं और पूरे देश में हिंदू निर्विवाद रूप से एक समाज का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा है कि मजबूत कार्य, नैतिकता और उच्च शिक्षा प्राप्त कर हिंदू अमेरिकी सपने को साकार करने में भूमिका निभाते हैं। ये गुण हिंदुओं को देश भर के समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका देता है और वे उन समुदायों की कई तरह से मदद भी करते हैं। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि देश भर में हिंदू अमेरिकियों के खिलाफ भेदभाव में वृद्धि की खबरें इतनी चिंताजनक है। इस तरह के भेदभाव की अमेरिका में कोई जगह नहीं है। सांसद ने कहा कि हम सभी को इस खत्म करने के तरीके तलाशने चाहिए। तो अमेरिकी सांसद का पाकिस्तान पर यह बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। यहां पर कहा गया है कि लगातार हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, धर्म परिवर्तन करवा दिए जा रहे हैं, हिंदू लड़कियों के विवाह जबरन मुस्लिम पुरुषों से करवा दिए जा रहे हैं, तो ऐसी तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही है, लेकिन इसे रोकने की जरूरत है, इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। ये मानव अधिकार में आता है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये फिर जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती जाएगी, ये समस्या लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी।
दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है, तो ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरह से तालिबान की सहायता करता है। दरअसल पाकिस्तान और उसकी गुप्तचर सेवा ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही वो कहते हैं कि इस्लामाबाद और उस संगठन की जीत का जश्न मनाते देखना बेहद घृणित करने वाला है, जो अफगानिस्तान के लोगों के लिए अनकही क्रूरता लाएगा। सांसद कहते हैं कि पाकिस्तान द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे उत्पीड़न पर यहां अमेरिका में बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अच्छा होगा कि हम अपने साथी नागरिकों को इन दुर्व्यवहारों के बारे में जानकारी दे दें। अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और कम उम्र की हिंदू लड़कियों का बड़े उम्र के मुस्लिम पुरुषों से जबरन विवाह करने की जघन्य प्रथा और इस तरह के उत्पीड़न को उजागर करती है। वो कहते हैं कि इस तरह के आरोप महज अफवाह नहीं हो सकते, सच्चाई पाकिस्तान की यही है। रिपब्लिकन सांसद कहते हैं कि प्रमुख समाचार संगठनों और मानवाधिकारों समूह ने इन प्रथाओं को उजागर किया है, जिसमें लड़कियों को किशोरावस्था में उनके परिवारों से अलग कर देना, उनका जबरन विवाह कराने जैसी दिल दहला देने वाली कहानियां शामिल है। इन उत्पीड़नों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि अमेरिका में करीब 60 लाख हिंदू है और पूरे देश में हिंदू निर्विवाद रूप से समाज का एक अभिन्न अंग है। वो कहते हैं कि मजबूत कार्य नैतिकता और शिक्षा प्राप्त कर हिंदू अमेरिकी सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये गुण हिंदुओं को देश भर के समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका देता है। इसी तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हमें चुप रहना चाहिए। इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये बेहद ही चिंताजनक है। अपने भाषणों से नफरत फैलाने वाले प्रचारक अंजेम चौधरी ने तालिबान को क्रूरता की सारी हदें पार करने की सलाह दी है। ब्रिटेन में रहने वाले अंजेम चौधरी ने तालिबान से कहा है कि चारों जो चोर होते हैं उनके हाथ काट दिए जाएं, शराब पीने वालों को कोड़े मारे जाएं। इतना ही नहीं, चौधरी ने अफगानिस्तान में म्यूजिक बैन करने की इच्छा भी जताई है। बता दें कि 54 वर्षीय अंजेम चौधरी आईएसआई जिहादियों के बीच काफी लोकप्रिय है। 2014 में उसे 5 साल जेल भी हो चुकी है। कुछ खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक अंजेम चौधरी ने तालिबान से इस्लामिक न्याय व्यवस्था को लागू करने की मांग की है। अंजेम चौधरी ने कहा है कि मिलावट करने वालों को पत्थर मारी जाए, चोरों के हाथ काट दिए जाएं और शराब पीने वालों पर सार्वजनिक रूप से कोड़े बरसाए जाएं। इसके अलावा चौधरी ने अफगानिस्तान में संगीत बैन करने, महिला पुरुषों के साथ नजर आने पर भी पाबंदी की बात कही है। आपको बता दें कि ब्रिटेन सरकार ने इस्लामिक स्टेट आईएसआई संगठन समूह का समर्थन करने के आरोप में अंजेम चौधरी के सार्वजनिक रूप से बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहले महीने ही ये प्रतिबंध खत्म हुआ है, जिसके बाद से अंजेम ने फिर नफरत भरे भाषण देना शुरू कर दिया है। उसने सख्त शरिया कानून लागू करने की मांग करते हुए तालिबान को न्यायालयों से छुटकारा पाने की सलाह भी दे दी है। तो इस्लामिक न्याय व्यवस्था लागू हो, ऐसा कहा जा रहा है। अंजेम चौधरी की तरफ से चोरों के हाथ काट दिए जाए, म्यूजिक को अफगानिस्तान में पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा करने के लिए 24 अगस्त को दुनिया के साथ शक्तिशाली देश वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। G7 की एक बैठक बुलाने की मांग ब्रिटेन की ओर से की गई है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने रविवार को यह जानकारी दी है। साकी ने अपने बयान में कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 अगस्त को G7 देशों के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक कर सकते हैं। नेता अफगानिस्तान के मामलों में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने और पश्चिमी देशों का साथ देने वाले अफगानों को बाहर निकालने पर चर्चा करेंगे। जेन साकी ने कहा है कि G7 के नेता अफगान शरणार्थियों को मानवीय सहायता देने की योजनाओं पर भी विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने ट्विटर पर कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लोगों को सुरक्षित निकालने, मानवीय संकट को रोकने और पिछले 20 सालों की मेहनत को सुरक्षित करने के लिए अफगान लोगों का समर्थन करने के साथ ही मिलकर काम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि ब्रिटेन इस साल G7 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज सुबह ही दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विमान से 104 लोगों को वापस भारत लाया गया है। विमान सुबह 5:10 पर 104 लोगों को लेकर दिल्ली में उतर चुका है। इससे पहले देर रात दोहा के रास्ते भी 31 लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं कतर एयरवेज के जरिए रात करीब 2 बजे 30 लोग भारत पहुंचे। वहीं एयर इंडिया के विमान से भी एक नागरिक के सुबह 3 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने की खबर है। आपको बता दें कि अमेरिका, कतर, तजाकिस्तान और कई अन्य मित्र देशों के साथ मिलकर अफगानिस्तान
पाकिस्तान से लोगों को बाहर निकालने का अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले भारत काबुल से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के अपने प्रयासों के तहत 3 उड़ानों के जरिए 2 अफगान सांसदों समेत 392 लोगों को रविवार को देश वापस लाया गया। पिछले सप्ताह के एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में करीब 400 भारतीय फंसे हो सकते हैं। अब भी भारत उन्हें वहां से निकालने की कोशिश लगातार कर रहा है। इसके लिए वो अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ समन्वय कर सकता है। इसका काम जोरों पर है ताकि एक भी भारतीय वहां ना रहे, सभी की वतन वापसी हो सके। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।